हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करूंगी जिसको मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूं एंड इस वीडियो में आपके साथ सारे डिटेल शेयर करूंगी कि ये व्हाइट कास्ट देता है या नहीं ईजली ब्लेंड होता है या नहीं या ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है या नहीं तो वीडियो को एंड तक देखना ये अर्थ रिदम अल्ट्रा डिफेंस एस पी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यू एंड यू प्रोटेक्शन मिल जाएगी पी एफ फोर टाइम प्लस है एस पी एफ फिफ्टी है फिफ्टी एम एल की क्वान्टिटी मिल जाएगी फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपी में एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स की शेल्फ लाइफ दी हुई है यहाँ पर आपको प्रिकॉशन स्टोरेज एंड इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट मिल जाएगी एंड ये आपको कार्डबोर्ड के आटा पैकेजिंग में मिल जाएगा इन पैकेजिंग में यह आपको पम्प पैकेजिंग में मिल जाएगा एंड इसका कैप बहुत लूज है अगर आप इसको ट्रैवल में लेके जाओगे तो कैप निकल सकता है और प्रेस होते ही प्रोडक्ट बाहर आ सकता है तो ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है इन पैकेजिंग में इंग्रेडिएंट की लिस्ट मिल जाएगी बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट एंड प्राइस मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसके लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स तो साथ में रखना ही होगा टेक्सचर की बात करूँ तो फ्लूड टेक्सचर है बट ना ही ज्यादा लिक्विड और ना ही ज्यादा थिक है जेल बेस्ड फॉर्मूला है ईज़िली ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है प्लस पॉइंट ये है कि यह व्हाइट टास्क नहीं देता एंड अप्लाई करते ही ग्लोई फिनिश दे देगा स्किन हाइड्रेट हो जाएगी एंड मैं आपको इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा दूंगी सनस्क्रीन के लिए मैं टू फिंगर रूल अप्लाई करती हूँ बहुत लोग आज भी सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं और जो लगाते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में लगाते हैं तो आपको दो से तीन फिंगर रूल ही अप्लाई करना चाहिए और इसे डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए तभी आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगी एंड एवरी टू आवर्स के बाद री अप्लाई करना चाहिए इसको अप्लाई करने के बाद स्किन मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट हो जाती है ये नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड इसमें मिनरल फिल्टर्स एंड केमिकल फिल्टर्स दोनों हैं जो हार्मफुल सन रेस से प्रोटेक्ट करेंगे स्किन को यू वी ए रेज से प्रोटेक्शन मिल जाएगी एंड इसमें एस पी एफ फिफ्टी भी है अगर आपको टेनिंग हो गई है तो वो रिवर्स हो जाएगी सन बर्न या सन डैमेज हो गया है तो वो कम हो जाएगा रिंकल्स फाइन लाइन्स हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो रिमूव हो जाएगी बट उसके लिए आपको इसे डेली बेसिस पे यूज करना होगा एंड ये टॉक्सिन फ्री है केमिकल फ्री है इसमें कोई भी हार्मफुल इन्ग्रीडियंट्स का यूज नहीं किया हुआ है जो आपकी स्किन को हार्म करे गुडनेस ऑफ रेसबेरी सीड ऑयल एंड यशद भस्मा एंड जिंक ऑक्साइड जैसे इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया हुआ है जो स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे प्लस मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट भी रखेंगे एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो आपकी स्किन स्टिकी या ग्रीसी हो सकती है तो आपको इसे कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना होगा एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हो बट ऑयली स्किन टाइप वाले इसको कम क्वान्टिटी में ही यूज़ करें अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना